एक मित्र ने सवाल पूछा है कि इस शरीर में मरने के बाद वापस कैसे लौटा जाए। मतलब आदमी की मौत हो जाती है तो सवाल ये है, क्या इस शरीर में वापस आया जा सकता है? तो इसी के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, विलेज रामपुरा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से। देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे आधारित है, अगर आपके शरीर स्वस्थ है, अगर आपके शरीर की नसें, नाड़ी तंत्र बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल सही है, तो मरने के बाद में इस शरीर में वापस लौटा जा सकता है। अगर कोई मनुष्य ज्ञाता है इस विद्या का, शरीर में वापस लौटने की विद्या का ज्ञाता है, तो अब आम आदमी तो ज्ञाता नहीं होता है कि शरीर में वापस कैसे लौटा जाए, क्योंकि आम आदमी को इन विद्याओं का ज्ञान नहीं होता है कि सामने जो शरीर मरा हुआ या डेड निष्क्रिय है, जिसमें हलचल नहीं है, पड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। आम आदमी तो अपने सामाजिक जीवन जीते हैं, गृहस्थी का जीवन जीते हैं, और योग विद्या के बारे में या आध्यात्मिकता का उसे ज्ञान नहीं होता है कि शरीर में वापस भी लौटा जा सकता है। वो तो हैरान हो जाता है मरने के बाद में भी कि शरीर पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो आम आदमी तो नहीं लौट सकता है। दूसरी रही बात योगियों की, बात जो योग विद्या के ज्ञाता होते हैं, जिन्हें विद्याएं प्राप्त हैं, जो सिद्ध हैं, वे भी शरीर में मरने के बाद तभी वापस लौट सकते हैं जब वो शरीर जो पड़ा हुआ है, जो मर चुका है, अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, एक बुजुर्ग आदमी है, एक बुजुर्ग योगी है, चाहे उसको भले ही कितनी ही विद्याओं का ज्ञान क्यों ना हो, उसने पूरी जिंदगी तपस्या की और विद्याएं या योग विद्या को प्राप्त किया, शरीर में वापस लौटने की विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन शरीर की नसें तो खराब हो चुकी हैं। अब वो जो शरीर की नसें हैं, उसमें तभी लौटा जा सकता है जब वे नसें बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपने देखा होगा, बुजुर्ग आदमी जो होता है, या किसी बीमारी की वजह से जवान आदमी में भी नसें, नाड़ी तंत्र खराब हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश भी कर गया, मान लो कोई योगी है, वो उसमें प्रवेश भी करना चाहता है अपने ही शरीर में वापस मरने के बाद में, तो वे नसें अब काम नहीं करेंगी, वे शक्ति को पूरे शरीर में नहीं फैलाएंगी, क्योंकि नसें ठीक होंगी तो शरीर के अंदर जो शक्ति प्रवेश करेगी, जो सूक्ष्म शरीर प्रवेश करेगा और उसकी शक्ति प्रवेश करेगी, तो नसों के जरिए वे पूरे शरीर के अंदर फैलेगी, शक्ति फैलेगी, ऊर्जा फैलेगी, या मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फैलेगा। अब वो करंट पूरे शरीर में नहीं फैल पाया नसों के जरिए, तो क्या होगा? अब शरीर तो काम करेगा नहीं। योगी तो प्रवेश करने की विद्या तो उसे आती है, लेकिन शरीर और नसें तो साथ नहीं दे रही हैं ना, क्योंकि शरीर की नसें, नाड़ी तंत्र बेकार हो चुका है। अब नसें पूरे शरीर में ऊर्जा का, करंट का, शक्ति का संचालन नहीं करेंगी, या हर हिस्से में करंट को नहीं पहुंचाएगी। आपने देखा होगा, आपकी जो बैटरी होती है या घर की जो तारें होती हैं, अगर वे ख़राब हो जाती हैं, घर की तार लगा लो आप, बिजली की वायर्स होती हैं, अगर आपकी तारें ख़राब हैं और पीछे से पूरे गांव में बिजली आई हुई है, या शहर में बिजली आई हुई है, आपके पड़ोसी के यहाँ पे भी बिजली आई हुई है, लेकिन आपके घर में वो ऊर्जा या बिजली वो नहीं पहुँच पाएगी, फ्रिज तक नहीं पहुँच पाएगी, आपके टीवी तक वो बिजली नहीं पहुँच पाएगी, आपकी प्रेस तक
वो बिजली नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी घर की तारें ख़राब हो चुकी हैं। अब वो ख़राब जो तार हो चुकी हैं वो आपके घर में बिजली को नहीं पहुंचाएंगी, और आपके जो फ्रिज हैं, टीवी है, कूलर है, पंखा है, वो नहीं चलेगा। क्यों? आपकी तारें ख़राब हैं। इसी तरीके से अगर शरीर की नसें ख़राब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो योगी भी उस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो योगी शरीर से बाहर निकल गया है, जिसका शरीर मर चुका है, अब नसें खराब होने की वजह से अब उसकी शक्ति, उस योगी की शक्ति उस शरीर के अंदर काम नहीं करेगी। इसलिए वो बाहर का बाहर ही खड़ा रह जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो अंदर प्रवेश के लिए ज़रूरी है कि जो सामने शरीर पड़ा हुआ है उसकी नसें बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक होनी चाहिए, जिससे कि वो जो बाहर सूक्ष्म शरीर खड़ा हुआ है या योगी खड़ा हुआ है, उसकी शक्ति को वे नसें कैच कर ले और पूरे शरीर में शक्ति को पहुंचा दें, तो प्रवेश संभव है। वरना कितनी ही कोशिश कर लो, वो शरीर फिर से चालू नहीं होगा, या कहने का मतलब जीवित नहीं होगा। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि शरीर का स्वस्थ होना, नसों का स्वस्थ होना, ठीक होना बेहद ही ज़रूरी है। तभी जो योग विद्या के ज्ञाता होते हैं, जिन्हें शरीर में दोबारा प्रवेश करने की विद्या का ज्ञान होता है, तो वो प्रवेश संभव है। अगर नसें खराब हैं तो योगी भी कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, वो कितना ही विद्याओं का ज्ञाता क्यों ना हो, वो उस शरीर में जो निर्जीव हो चुकी हैं नसें, डेड हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेन बात तो ये है, प्रवेश होने के बाद में शक्ति फैलनी चाहिए नसों के द्वारा। जैसे तार से करंट फैल जाता है पूरे मकान के अंदर, ऐसे ही नसों के द्वारा पूरे शरीर में करंट फैलना चाहिए, सूक्ष्म शरीर का मतलब, या उस योगी का जो बाहर खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो शरीर बिजली की पकड़ करता है, सूक्ष्म शरीर की पकड़ करता है, तो शरीर का, सूक्ष्म शरीर का जो बाहर खड़ा हुआ है, उसका प्रवेश संभव है, वरना नहीं है। और दूसरी बात, आम लोगों की तो बात मैंने बता ही दी कि आम लोगों को तो ज्ञान ही नहीं होता है कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश भी होना संभव है, और कोई मौत भी होती है। जब उनकी मौत होती है आम आदमी की, तो वो तो परेशान और हो जाता है, हैरान हो जाता है कि क्या हो रहा है, कि शरीर पड़ा हुआ है, मैं अलग खड़ा हुआ हूँ, तो वो तो वैसे ही बुद्धि से परेशान हो जाता है। कहने का मतलब पजल हो जाता है, कहाँ उसको विद्या ध्यान में आएगी। वो तो वैसे ही दुखी हो जाता है मरने के बाद में भी, कि हो क्या रहा है, मतलब नया अनुभव हो जाता है। अब कोई भी नया अनुभव होता है मरने का, तो आदमी का दिमाग, बुद्धि, दिमाग नहीं बुद्धि परेशान तो हो ही जाती है। तो जो सवाल पूछा गया था कि मरने के बाद में भी क्या वापस अपने शरीर में प्रवेश कर पाना या जीवित हो पाना संभव है या नहीं है, संभव है, लेकिन शरीर की नसें स्वस्थ होनी चाहिए। और नंबर दो क्या बात बताई, वो आदमी या जीव योग विद्या का ज्ञाता होना चाहिए कि शरीर में वापस प्रवेश कैसे होता है। तो ये इन दो बातों पे डिपेंड करती है कि वो जो मरा हुआ आदमी है वो फिर से जीवित हो सकता है या नहीं हो सकता है। ज़्यादा बूढ़ा आदमी हो जाता है या कोई योगी हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर उस शरीर में दोबारा प्रवेश कैसे करेगा, वो तो गल चुका है। बुढ़ापे में शरीर वैसे भी गल जाता है, हार्ड मास, लीवर, हार्ट, दिमाग, किडनी, सब कुछ गल जाते हैं। अब वो प्रवेश करके शक्ति जब शरीर में फैले भी गई नहीं, मान लो प्रवेश भी कर दिया, कोई योगी अपने ही शरीर में वापस प्रवेश कर जाता है बुढ़ापे में, तो शक्ति जब पूरे शरीर में फैलेगी नहीं, तो शरीर उठेगा कैसे,
काम कैसे करेगा, बात कैसे करेगा, देखेगा कैसे, जबान कैसे हिलाएगा, बोलेगा कैसे, सूंघेगा कैसे। तो कहने का मतलब है शरीर का सिस्टम खराब हो चुका है। हाँ, शरीर का सिस्टम ठीक है तो फिर से जीवित हुआ जा सकता है। तो धन्यवाद सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए कि मरने के बाद में भी क्या फिर से वापस जीवित हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता है। तो संभव है, ऐसा तो नहीं कह सकते संभव नहीं है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, दो शर्तें हैं, वे मैंने बता दी हैं अपने वीडियो के द्वारा। सवाल पूछते रहिए, आपको जवाब मिलता रहेगा। तो इन चक्रों में ना पड़े कि शरीर में मरने के बाद में वापस प्रवेश करना है या नहीं करना है, हमें फिर से जीवित होना है, तो इन चक्रों में ना पड़े, परमात्मा की प्राप्ति करें, गुरु को दंडवत प्रणाम करें और परमपिता परमात्मा को पाने की कोशिश करें, यही सर्वोत्तम है। और कुछ सवाल और आए हुए हैं, उनका अगले वीडियोस में जवाब दिया जाएगा। अलग अलग आदमियों ने अलग अलग सवाल पूछे हुए हैं, प्रश्न पूछे हुए हैं, उनका उत्तर दिया जाएगा, एक वीडियो में वो संभव नहीं है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म हैं, भगवंत हैं, शायद आपको ये बात पता नहीं है, मेरा नमन प्यार से स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच।